हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके सर्वे एंड गेम। दोस्तों मैं हूं जीतू और आज आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं वह है आपका 25.5 फीट फ्रंट है और आपका लंबाई जो है 36.5 फीट या फिर मान के चलो 37 फीट का है। तो ऑलमोस्ट आपका जो है राउंड फिगर में देखा जाए तो 26x37 फीट का आपका जो है घर का कंस्ट्रक्शन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है आपका दोनों तरफ ये आपका कंस्ट्रक्शन एरिया बोला, ठीक है ना। ये आपका जो मेन जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग का लंबाई और चौड़ाई कितना है, और आपका चारों तरफ जो है मैं यहाँ पे 2.5 फीट करके छोड़ के रखता हूँ चारों तरफ पे। सामने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शायद होगा, तो जो भी है तो एक बार घर का जो है आप बाहर वाला लुक देख लीजिए कैसा है नहीं है। तो दोस्तों समय ना गवा के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है घर है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं चारों तरफ कैसा है नहीं है, कुछ इस टाइप का आपका दिख रहा है। और ये घर जो आपका दोस्तों विद वास्तु है, इसका अगर आपको PDF फाइल चाहिए, प्लान चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज में या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर शायद नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी होगा व्हाट्सएप वाला, तो आप उसमें भी मांग सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है घर चारों तरफ से दिखने को मिल गया है कैसा है नहीं है घर। इसमें टोटल कुल मिलाकर देखा जाए 5 बेडरूम है इसमें। अब ये बार बार से देख लिए हैं, मैं जो एक बार फिर से बोल देता हूँ डायमेंशन घर का। ये जो फ्रंट है, जो फ्रंट टेलीविजन दिख रहा है बाउंड्री छोड़ के, फ्रंट टेलीविजन जो है आपका लगभग 26 फीट है और आपका लेंथ जो है घर का ऑलमोस्ट 37 फीट का है। ठीक है, तो अब घर के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये आपका मेन एंट्रेंस है, ये आपका कार पार्किंग का एंट्रेंस है। ठीक है, बहुत बड़ा कार पार्किंग नहीं रखा हूँ इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो है 13 फीट का पार्किंग रखा है। ये आपका बाउंड्री से लेंगे तो ये आपका लगभग 13 फीट का बाउंड्री है जिसमें आपका छोटा गाड़ी आराम से आ जाएगा, और 10 फीट जो है आपका चौड़ाई रखा है। अच्छा, उसके बाद ये आपका मेन गेट आ गया। मेन गेट से आप अंदर घुसते हो तो अंदर घुस के नीचे एक आपका जो है सिटिंग एरिया मिल जाता है। थोड़ा सा डाउन है ये, मेन घर से जो है थोड़ा सा डाउन है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपका 7-8 फीट का डाउन है, सॉरी 7-8 इंच का डाउन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ का डायमेंशन बता देता हूँ, ये 9.5 फीट आपका लंबाई है और आपका चौड़ाई जो है आपका लगभग 13.5 फीट का है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मुझे हॉल थोड़ा बड़ा चाहिए था, जो कस्टमर के लिए बनाया हूँ उन कस्टमर को क्या था, ये हॉल थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो इसीलिए मैं इसको 13.5 फीट चौड़ा रखा ये फेस को। अगर आपका इतना नीड नहीं है, ठीक है, अगर आपका ये ज़रूरत इतना नहीं है, तो सीधा सा बात है ये जो घर का लेंथ है ना, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन मैंने 10 फीट रखा हूँ, आप इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा सकते हो, मतलब इसको 50-50 कर देना। ठीक है, तो 12 फीट ये और 12 फीट ये मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सीढ़ी का नीचे वाला पोर्शन या फिर एंट्रेंस वाला पोर्शन आपको मिल गया। उसके बाद आते हैं हम लोग हॉल पोर्शन में। हॉल में दोस्तों यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक सोफ़ा रखा है, एक सोफ़ा के सामने टेबल है, टी टेबल टाइप का। यहाँ पे आपका ये आप देख लो एक बार, आपका एक टीवी का शोकेस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, टीवी सेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका डाइनिंग एरिया आ गया। डाइनिंग एरिया के साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ये आपका हो गया जो है क्या बोलते हैं टॉयलेट अटैच बाथरूम, मतलब लैट कम बाथ दोनों यहाँ पर हो गया। या अच्छा, लैट कम बाथ में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो है बेसिन को बाहर रख दिया, टॉयलेट के अंदर नहीं दिया। बाहर रखने के लिए हमें क्या है, इस मेन चीज़ हमारे टॉयलेट के अंदर स्पेस ज़्यादा मिल गया, और साथों साथ क्या किया यहाँ पे, ये जो है ना, ये हम लोगों को यहाँ पे क्या किए, ये 7 फीट हाइट का दरवाज़ा लगा है, तो ये 7.5 या 8 फीट में, मतलब 6 इंच नीचे से ऊँचा कर दिया। आप यहाँ पर देख लो, ये आपका 6 इंच जो है ऊँचा कर दिया, और ये 7 फीट का दरवाज़ा है, तो 7.5 फीट में ये आपका क्लोज़ हो रहा है। जैसे ये क्लोज़ हो रहा है, ऊपर एक स्लैब डाल के ये पोर्शन को, जितना छोटा सा ये पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने क्या किया, ये बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 फीट का है, ये पोर्शन को एक हमारा स्टोरेज के हिसाब से काम आ जाएगा। आप ऐसे करके देखोगे ना तो दिख जाएगा, देखिए बाथरूम के अंदर से ये जो पोर्शन है, ये 2 फीट बाई 2 फीट जो हाइट आ रहा है आपका, देखिए 2 फीट बाई 2 फीट जो ये हाइट आपका आ रहा है, ये बॉक्स पोर्शन आपका जो है कुछ सामान स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख चुके हो बाहर आपका बेसिन है, ये आपका 2 फीट अंदर घुसाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है सामने, उसके बाद आता है यहाँ पे किचन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका 7.5 फीट का चौड़ाई है और लंबाई में जो है 8 फीट का है, जो कि काफ़ी एनफ है। यहाँ पे एक चीज़ और किया हूँ, मतलब जो दीवार है उसमें कैसा विंडो काट दिया, जो कि आपका ओपन विंडो है। ये आपका क्या है, 3 फीट चौड़ाई है और आपका 3 फीट 4 इंच हाइट है। अच्छा, इसके साथ से ये क्या है एक्चुअली, आपका जो यहाँ पे टेबल में खाना परोसेगा तो यहाँ पे खाना रख के यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाजू में क्या है, यहाँ पे एक मंदिर दिया हुआ है, ये आपका 2.5 फीट का चौड़ाई में एक मंदिर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो, मतलब एक आपका दरवाज़ा दिया है बैक साइड जाने के लिए, तो ये भी आपका दोस्तों वास्तु के हिसाब से ही है। लेकिन इसमें मैं डायरेक्शन बोलना अभी तक भूल गया हूँ, ये आपका वेस्ट साइड हो गया, मतलब पश्चिम दिशा, ये आपका पूर्व दिशा हो गया,
ये आपका उत्तर दिशा हो गया, ये आपका दक्षिण दिशा हो गया, ठीक है। हमारा किचन हो गया, उसके बाद ये जगह आपका हॉल रहता है थोड़ा सा। अब आते हैं दोस्तों घर की तरफ, ये नॉर्थ साइड में जो हम लोग प्लेसिंग किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ में आ रहा है। ये और ये दोनों घर जो आपका 10x10 का है, ठीक है, ये घर आपका 10x10 है, ये घर आपका 10x10 है। बीच में आपको जो है टॉयलेट दिया गया जो कि 4 फीट 2 इंच बाई 8 फीट का है, ठीक है, अटैच लैट बाथ है, 4 फीट 2 बाई 8 इंच 8 फीट का। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों रूम पे, ठीक है, एक कोई एक रूम का दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। दोनों रूम पे ये जो दरवाज़ा का 7 फीट हाइट में ना नीलटन जो ढलाई देते हैं हम लोग दरवाजे के ऊपर, वहाँ पे एक स्लैब डाल देना है। तो हम लोग स्लैब डाल के क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम लोग ऐसा थोड़ा सा वार्डरोब टाइप का बना के इसको हम लोग एज ए स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं घर में। ये बहुत काम का चीज़ है, हम लोग इसको बैकवर्ड बोलते हैं, पुराना स्टाइल बोलते हैं, लेकिन ये आज का दिन भी ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, मान के चलिए यहाँ पे जो है ये जो पार्किंग है, आपको पार्किंग नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पोर्शन है ना ये भी आपका 10x10 का ही है, ठीक है, ये पोर्शन भी आपका 10x10 का है। ये आपका सामने की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसलिए 12-13 फीट बोल रहा होता। ये जो पोर्शन है अगर आपको नहीं चाह रहा तो यहाँ से सीधा सीधा एक दीवार उठा दीजिए, यहाँ पे शटर गेट लगा दीजिए और ये आपका दुकान है, एज ए शॉप या फिर एज ए घर रूम के लिए आप यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए ग्राउंड फ्लोर जो है कैसा दिख रहा है। ये आपका एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पोर्च टाइप का हो गया, फिर अंदर में ही सिटिंग एरिया हो गया, उसके बाद एक स्टेप दिया हुआ है, आप ऊपर आ रहे हो, यहाँ पे टीवी शोकेस लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है और यहाँ पे जो है आपका एक डाइनिंग टेबल है जो कि आपका 17 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 7 इंच का है, हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जो है किचन है जो कि 8 फीट लंबाई है और 7 फीट 7 इंच का चौड़ाई है। यहाँ पे किचन के बाजू में यहाँ पे आपको क्या दिया, मंदिर दिया हुआ है, उसके बाजू में से गेट दिया हुआ है बाहर निकलने के लिए। अच्छा इधर आपका दरवाज़ा देखे यहाँ पे गुजरे हो तो ये आपका बेडरूम हो गया, जिस बेडरूम में आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा, देख लीजिए ये आपका बेडरूम है, 6x7 का एक किंग साइज बेड डाल दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अभी भी 3 फीट इधर बच रहा है और इधर आपको 4 फीट बच रहा है, 4 फीट में से आपका यहाँ पे एक वार्डरोब या फिर अलमीरा या फिर जो भी आपका स्टोरेज के लिए आइटम हो जाएगा वो यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको आने जाने के लिए स्पेस बन जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ इस ये रूम को जो है हमने एक छोटा सा बच्चे लोगों के लिए बनाया है, आप चाहो तो जैसे भी मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, स्टडी रूम टाइप का। यहाँ पे क्या है, नीचे एक बेड सिंगल बेड दिया हुआ है, यहाँ एक छोटा सा वार्डरोब दिया है और यहाँ पे कंप्यूटर का सेटअप दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर देख लिए, अब फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। तो हाँ दोस्तों ये हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, जी हाँ नीचे जैसा था एज इट इज़ सेम टू सेम मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ और इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, नीचे जो पार्किंग था मैंने पहले ही बोला था, जो पार्किंग एरिया है पार्किंग को आप ऊपर जाके चाहो तो बेडरूम बना सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे बना दिए बेडरूम, ठीक है। ये जो आपका 10 फीट बाई 10 फीट का है ये थोड़ा सा लेंथ कम हो गया दीवार के चक्कर में, 9 फीट 7 इंच है, ठीक है। तो ये आपका 10x10 का ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक बेडरूम बन गया जिसमें एक वार्डरोब दिया हुआ है, एक बेड रखा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे वो जैसा नीचे था वो बच्चों वाला एक स्टडी रूम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर में दिखाया नहीं लेकिन आप चाहो तो ऊपर हर एक घर में, सिर्फ एक घर में नहीं जितना घर है उतना घर में लिंटन के ऊपर यहाँ पे दरवाजे से ऊपर से कोई भी एक दीवार पे आप चाहो तो एक स्लैब डाल दो 1.5 फीट या 2 फीट का चौड़ाई में। वो स्लैब को बाद डालने के बाद जब घर कंप्लीट हो जाएगा वार्डरोब टाइप का थोड़ा कवर कर दीजिए तो स्टोरेज स्पेस आपका बहुत ज़्यादा निकल आएगा। ये जो बाथरूम है ना एज इट इज नीचे जैसा किया था सेम टू सेम ऊपर भी किया हूँ। देखिए यहाँ पे 6 इंच ऊपर करके 7 फीट का दीवार दरवाज़ा दिया हूँ और ये स्लैब देके जो है थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पे भी निकाल दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम दिया हुआ है जो कि आपका 13 फीट 5 इंच का ऐसे चौड़ाई है, ठीक है, 10 फीट लंबा 13 फीट 5 इंच। नीचे जो किचन वाला एरिया था किचन वाला एरिया के ऊपर यहाँ पे एक बैल्कनी निकाल दिया जो कि 10 फीट 10 इंच का लंबाई है और 11 फीट आपका चौड़ाई है, ठीक है। इतने में आपका एक क्या बोलते हैं बैल्कनी आ गया और ये आपका जो बैल्कनी किचन के बाद जो यहाँ पर एक वॉकवे था जो आपका आने जाने के लिए बरामदा टाइप का दिया हुआ था वहाँ पे ये घर को जो है एक्सटेंड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी अच्छा एक सीटिंग एरिया मिल जाएगा। साथ में दोस्तों फ्रंट के तरफ भी एक छोटा सा बैल्कनी दिया हुआ है आप लोगों के साथ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको डायमेंशन जानना है तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका जो है 6 फीट 10 इंच का आपका लंबाई है और 5 फीट 9 इंच का ये चौड़ाई है, ठीक है। ऐसा छोटा सा यहाँ पर भी एक बैल्कनी दिया हुआ है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपका हॉल हो गया, जो हॉल का साइज़ मैं अभी तक आप लोगों को बताया नहीं हूँ,
ये हॉल हो गया आपका सीढ़ी के बाद, जहाँ से सीढ़ी ख़त्म हो रहा है सीढ़ी के बाद, ये वाला 14 फीट 7 इंच मतलब 14.5 फीट लंबाई है और 13.5 फीट का चौड़ाई है। जैसा नीचे था वैसे ही ऊपर का चौड़ाई भी सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ हम लोग का रूफ आ जा रहा है, छत पे आ गए, घर हमारा हो गया कंप्लीट, और उसी के साथ साथ हम लोग का जो है ये पूरा का पूरा फ्रंट एलिवेशन। तो फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी को ये घर पसंद आया है और इस घर का प्लान जो है चाहिए, जो भी हो, 2D हो, 2D के साथ साथ जो है आपका मान लीजिए इसमें RCC डिटेल कैसा रहेगा, स्टील कहाँ देना है, कॉलम कहाँ देना है, कैसा स्टील देना है, टोटल डिटेल के साथ अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो कृपया करके आप लोग जो है कमेंट में लिख दीजिए क्या चाहिए नहीं चाहिए और कैसा घर आपको आगे समय में पसंद है। और आप लोग हमको जो है इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में या फिर अपना फेसबुक में भी आप लोग अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ घर आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जो है जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में घंटी वाला दबा के। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे कोई ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।